गोरखपुर के दक्षिणांचल में चल रही रामलीला में भगवान श्री राम के जन्म का दृश्य मंचन किया गया। बेलीपार थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में आदर्श नवयुवक रामलीला समिति के कलाकारों द्वारा पहले दिन दिखाया गया कि सभी देवी देवताओं का भगवान विष्णु के पास जाना और अपना दुख सुनाना। इसके अलावा राजा दशरथ के दरबार में ऋषि का आना जाना, राजा दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होना, सुबाहो मारीच द्वारा राहगीरों को लूटना, सुबाहु मारीच द्वारा विश्वमित्र का यज्ञ भंग करने के दृश्य दिखाए गए। आपको बता दें कि राम जन्म की खुशी में आतिशबाजी की गई। इससे पहले देवताओं के क्षीरी सागर में जाकर भगवान विष्णु से अवतरित होने की प्रार्थना की, जिसके पश्चात विश्वमित्र के कहने पर शिंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और महाराजा के दशरथ में पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वरदान अनुसार दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा ने बच्चों को जन्म दिया। चारों भाइयों के जन्म पर अयोध्या में मंगल गीत गाए गए। इस दौरान आदर्श नवयुवक रामलीला समिति के मुख्य कलाकारों में साहब यादव संदीप यादव, मुन्ना यादव, इंद्रजीत यादव, लाल साहब यादव, रवि यादव, साहिल यादव, पोलू और तूफान यादव सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। इस पत्र को लो, पढ़ो और देखो इसमें क्या लिखा है। हमारे परम हितैषी रविकुल कमल अवध नरेश पुत्रेष्ट यज्ञ कराना चाहते हैं। सुभेनाथ खुशहाल नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है, कारण क्या है नाथ? महारानी जी, हाँ, आज मैंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया है। अहो भाग, और हमारे पुत्रेष्ट यज्ञ में अग्निदेव महाराज प्रकट हुए हैं और हक दिए। बढ़िया बता रहे हैं, ठीक है, मैं घूमने का मजा आ गया। ठीक है दादा, पूछे हो दादा राय बोलिए, दादा के छत्ते पर सुबह ढेर गाना लगे। अच्छा, और तुम्हारे बगल में पवन सिंह है क्या? नहीं नहीं, खेसरिया निरहुआ चेला है, निराज बटवा लग रहा, निरहुआ चेला है। अच्छा, खजूर नाम है, खजूर